आदमी तो एक सांस में परेशान है, तीनों सांसों के कमरों में झाड़ चली आई। फिर एक बार में जब देखे तो महाराज भास्कर नहीं निकले रहे, तो आंगन में चली गई, आंगन को बिगाड़ डाला पूरा। और जब एक आंगन झड़ गया तो दूसरी बकरी का आंगन दिखने लगा। तो माता जी ने सोचा चलो जब तक अभी भास्कर भी नहीं निकले, कोई आया नहीं है, अब कोई को 9 पर 4 बजे से तो आएंगे नहीं। माता जी दूसरे आंगन में पहुंच गई जब तक, लेकिन वो बड़ा पड़ गया, वो कम पड़ गया, महाराज भास्कर तेजी से निकल आया। जब तक सब लोग उठ गए घर के कहने का मतलब। कौशल्या जी भी अपने कमरे पलंग में जैसे उठ करके देखी तो पूरा घर साफ पड़ा हुआ था। अरे आज हमारा सुबह से घर पूरा साफ है, क्या बात है। अचानक याद आई, अरे आज तो सीता आई है, ऐसा तो नहीं कि बहू साफ कर रही हो पूरा। जल्दी से अपनी भी साड़ी पहनी और जल्दी जल्दी निकल गई। देखा तो माता जानकी एक हाथ का घूंघट डाल के जल्दी जल्दी लगाई थी कि पूरा ही साफ हो जाए। जब पहले बहू आती है ना तो अपना तो पूरा करिश्मा दिखाती है, वो अच्छी मेहनत करती है, ऐसी बात नहीं, अच्छी मेहनत करती है शुरू में वो, हाँ। लेकिन जब सास सांस नहीं ले देता है ना, हाँ, तब ही गड़बड़ा हो जाता है सबका। सास का भी चाहिए कि वह सांस ले दे सामने वाले को। कौशल्या जी निकली बाजू से, जैसी बाजू से निकली तो बेचारी एक हाथ का घूंघट डाले तो वैसे ही झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही निकली तो वो एकदम से माता जी पलटी और वो भी निकली, किनारे किनारे जा रही थी। कह रही तेरे सीता काहे के लिए कर रही है बेटा, अभी आएंगे लोग साफ हो जाएगा पूरा। जैसे ही माता जी पलटी वैसे ही झाड़ू जो है जाकर के कौशल्या जी के पांव ही में लग गई। कौशल्या जी के पांव में लग गई झाड़ू। अब तो माता जी को हवाई से लगने लगी, बताओ झाड़ू ही लगती सास के जा। कौशल्या जी ने भी सोचा कि समझा दिया जाए, लड़का आया भी, देख बेटा सीता अच्छे से देख के झाड़ा कर, किसी के झाड़ू न लगे। झाड़ू लगना 36 प्रकार के रोगों की जड़ मानी जाती है, यही समझाएगा से ना बेटा, अच्छा काम नहीं है। सीता जी ने धीरे से सहरा दिया, जी माता अब ऐसा नहीं होगा।